तो हम बात कर रहे हैं कि लिंक विथ टेम्पलेट्स की जो आउटलुक में इस्तेमाल होता है। मतलब कि मेरे पास एक समरी है जो कि फॉर्मूला और बाकी किसी चीज से बन के आया हुआ है, ठीक है, और ये हर 1 घंटे पे अपडेट होता है। तो मुझे हर 1 घंटे पे इसको मेल करना होता है एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो हर बार मुझे मेल कंपोज करना, फिर इसको उठा के कॉपी पेस्ट करना, टाइटल साइटल सब लिखना, ये सारा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना आउटलुक की फिगर को खोला, जो आउटलुक है उस आउटलुक को खोला, इसके न्यू मेल्स में गए, ये न्यू ईमेल में, और जिसको मेल करना है उसका मैं यहाँ पे डाल देता। मुझे मेल करना है kumar@iptindia.com पे। सब्जेक्ट क्या है, डेटा समरी, ठीक है, और यहाँ लिखना है डियर सर, ये वन टाइम करना है, ठीक है, हर बार नहीं करना है, एक बार। बिलो सेल्स क्या हो रहा है, समरी ऑफ करेंट और उसके बाद इसको हमने कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हम पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट एज ए यहाँ पे आता है स्पेशल, उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पेस्ट एज ए लिंक होगा, पेस्ट एज ए लिंक कर दिया। और लिंक करने के बाद मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट कोड ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिकार्ड, या जो भी अपना जो सिग्नेचर है सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद इस मेल को मुझे सेंड नहीं करना है, समझ गए, मैं मेल को सेव करूंगा, सेव एज करूंगा, यहाँ पे सेव एज, यहाँ फॉर्मेट में मैं करूंगा टेम्पलेट, आउटलुक टेम्पलेट, एंड इसको सेव करूंगा। अब इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगली बार मेरा डेटा चेंज हुआ, अगली बार मेरा जो डेटा है ये 26 की जगह पे मान लीजिए कि 6 हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मान लीजिए कलर ही चेंज कर देता हूँ मैं, कलर चेंज हो गया, मतलब जब मेरा डेटा जो है अपडेट हुआ, जो मतलब हर घंटे अपडेट होता है, तो मेरा डेटा अपडेट हुआ, तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे वापस मेल करके सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने डेस्कटॉप पे आउटलुक का टेम्पलेट रख रखा है। जस्ट इसको ओपन करूंगा, और मेल खुल गया और डेटा अपडेट हो गई मेरी, पहले येलो था, अब मैं सेंड कर दूंगा। तो जब भी फाइल ओपन करूंगा मेरा पूरा जैसा बनाया है मेल ऐसा बनाया हुआ मिल जाएगा और मेरा डेटा भी अपडेट हो जाएगा। तो हर बार मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पेस्ट स्पेशल में इसका एक इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल के पेस्ट स्पेशल में हम इसी का एज ए पिक्चर्स इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, चार्ट हुआ और बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको इस तरह से सेंड करोगे आपका डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ जो सेंड हुआ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे मैंने आपको मेल कर दिया, फिर मैं 1 घंटे बाद मेरा डेटा अपडेट हुआ, तो आप क्या चेंज नहीं होगा, वो चेंज सिर्फ मेरे सिस्टम पे होगा, ठीक है, ओके।